So, will we show? Ryu tebe. What? Come on, let's go. What you say? माइंड म्यूजिक मेडिटेशन क्या है ये सेशन? दोस्तों, जिंदगी हर कोई खुल करके जीना चाहता है और बचपन में तो हम खुल करके जीते ही थे, पर धीरे धीरे भूल गए। न जाने कहाँ चल पड़ी जिंदगी, सारी जिंदगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में चली गई और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ घटता चला गया। इस सेशन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कहानियों के साथ, कविताओं के साथ बात होती है और खुद के भीतर उतर देखते। संगीत स्वर नहीं होता उसमें कोई, केवल सुर होता है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति अपने भीतर गहरा उतरे। संगीत केवल वो वातावरण खड़ा करे जहां पर हम अपने खुद से जुड़ सके। कहानियां और कविता वो हमारे को समझ के साथ अपने से जोड़ती है और फिर संगीत गहरा उतारता है और ध्यान स्वतः ही होता है। यही तो है माइंड म्यूजिक मेडिटेशन। देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को, ये है नारगोल। नारगोल गुजरात में एक बहुत सुंदर समुद्र के किनारे का एक बीच है, तटीय इलाका है, समुद्र है और एक साइड में जंगल है और वहाँ पर ओरोमीरा सेंटर फॉर एक्सीलेंस में बच्चों के साथ किया गया इस सेशन, जिसमें 400 के लगभग बच्चे एक साथ माइंड म्यूजिक मेडिटेशन सेशन का। गहरे ध्यान में ये सभी बार अगर जीवन की सही दिशा में मिल जाए तो भारत का ही नहीं विश्व का स्तर कितना सुंदर हो सकता है। तरह तरह के वाद्य यंत्रों के साथ इस सेशन का सभी को बहुत ही अद्भुत आनंद मिलता ही है और ध्यान स्वतः ही है। ऐसी थोड़ी और दो घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। नए नए यंत्र देखकर बालकों को लगता है ये क्या। मैं इसी तरह जा रहा था, सडनली 20 साल के बाद वापस आ गए ना वही जगह पे, तो स्ट्रेस, काम, उधर उधर भागना, ये सब देखा। तो बाजार से बहुत फायदा होता है, फेफड़े मजबूत रहते हैं, ब्रेन की कभी कोई बीमारी नहीं रहती, याददाश्त तेज रहती है, आवाज भी बड़ा फिर से चलते हैं बाल पर। ओके, बजाओ। आइए शंखनाद के साथ, शंखनाद के साथ इसके भारत की संस्कृति में अद्भुत महत्व। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें।